साहस सरोकार। सचिन पायलट के समर्थन में लगे जोधपुर में पोस्टर माकन, बोले कांग्रेस को एकजुट होने की जरूरत। पीएम पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार को तिरस्कृत कर भेजा सोनिया गांधी से मुलाकात पर अमित मालवीय का तंज। काजीरंगा पार्क में सदगुरु वासुदेव की नाइट जीप सफारी मामले में दर्ज हुई एफआईआर, सीएम ने कहा कोई कानून नहीं तोड़ा। देश में फिर घटे कोरोना के मामले, 24 घंटे में 4129 केस दर्ज, 20 लोगों की मौत। बिहार झारखंड सहित 16 राज्यों में येलो अलर्ट, दिल्ली में छाया कोहरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर गाजीपुर से है जहां आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने कई मुद्दों पर बयान दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठे लोकतंत्र की बात करती है जबकि बीजेपी में असली लोकतंत्र है। आपको बता दें कि सभा सभी सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था का मजबूत बताते हुए उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ सरकार बनाने गए थे लेकिन उनकी पार्टी में फूट पड़ गई जो बेहद गंभीर है। गाजीपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आज पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम था, उसमें शामिल होने के लिए आज मौका मिला। निश्चित ही एक संगठन है जो पूरे जिले में दवाइयों की जो आपूर्ति है, जो समाज की सेवा का एक माध्यम है, दवाओं के माध्यम से व्यक्ति समाज स्वस्थ रहे, निरोग रहे, उस दिशा में ये लोग अपना योगदान। अलीगढ़ में थाना देहली गेट के पास भाजपा कार्यकर्ता के संबंधी को जेल में पीटने के मामले में कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया और भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने पर जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि पूरा मामला पहले हुए मामूली विवाद को लेकर था जिसके बाद सभी कार्यकर्ता थाना देहली गेट पहुंचे जहाँ कार्यकर्ताओं ने दरोगा को बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं इस मामले को तूल पकड़ता देख भाजपा के महानगर अध्यक्ष मौके पर पहुंच गए। भाजपा के अध्यक्ष ने मामले की पूरी जानकारी कर दरोगा के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही जिस पर सीओ और एसपी सिटी ने दरोगा को हटाने के निर्देश दिए हैं। थाना देहली गेट पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ में थाने पर आए हैं। मामला इस प्रकार का है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी रघुवीर मंडल के कार्यकर्ता हैं, उनके भतीजे व अन्य एक व्यक्ति के साथ में विवाद हो गया जिसको लेकर दोनों पक्षों को थाना देहली गेट में सुबह 8 बजे बिठा लिया गया। उसके बाद में जब सूचना मिली तो हमने कहा दोनों पक्षों का सुलहनामा करा दीजिए। जब सुलहनामा करा दिया तो उसके बाद में दरोगा अमित कुमार जो दिल्ली गेट इंदिरा नगर हल्का इंचार्ज हैं उनसे जब आ गया तो उन्होंने कहा मैं कोई फैसला नहीं मानता हूं और जिस पे सिफारिश करानी है करा लो, मैं तुम्हें जेल भेज के रहूँगा। और उस लड़के को लात घूसों और जूतों से बुरी तरह से मारा। और उसके बाद में जब इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया गया, इंस्पेक्टर और सीईओ को, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम बात करके बताते हैं। थोड़ी देर बाद फ़ोन आता है तो उन्होंने बताया कि मामले में इसमें व्यक्ति को दाखिल कर दिया गया है, अब ये यहाँ से नहीं छूट सकता। खबर संभल से है जहां प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यदुकुल पुनर्जागरण के मिशन के तहत डीपी यादव की आरपीजी पार्टी के साथ गठबंधन करने का ऐलान किया। वहीं समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि इनके शासन में अधिकारों में भ्रष्टाचार चरम पर था, साथ ही केंद्र सरकार से अहिर रेजिमेंट बनवाने को लेकर भरोसा दिलाया। जो मन में विचारों में छाती में जुनून पैदा हो गया उसको कर गुजरने के लिए हमें कोई रोक नहीं सकता। वो अलग बात है कि कोई जेल भेज दे, कोई लाठियां चलवा दे, कोई गोलियां चलवा दे, और जब ऐसा कभी होगा तो मैं भी तो केला देवी पर आकर खड़ा हो जाऊंगा, फिर तो तुम लोग इकट्ठे होकर क्या होगे ना मेरे पास। तो कुल मिलाकर के इन लोगों ने जो मांगे की, दो मांग उनमें मुख्य है जिनको मैं भी चाहता हूं, लेकिन मेरे चाहने से सिपाही कुछ ज्यादा नहीं होता।
चाह तो हम तमाम ये हजारों हजार लोग बैठे हैं, आप लोग बैठे, सब चाहते हैं कि अस्पताल भी बने और डिग्री कॉलेज भी बने। तो डिग्री कॉलेज बनाने का वादा तो मैंने कर लिया और उसे निभाऊंगा। कुल के वैभव को हमें पूरे हिंदुस्तान में ले जाना है, इसलिए हम लोगों ने तय किया है जो लोग पिछड़े हैं, शोषित हैं, बहुत से लोगों ने अभी तक आजादी के बाद अभी तक बहुत पीछे रह गए हैं, न्याय नहीं मिला है, गरीबी से जूझ रहे हैं, मेहनत करने के बाद उनकी मेहनत के फल ठीक से नहीं मिल रहा है। वैसे तो मुख्यमंत्री ने कहा, यहां हमने भी कहा था, अगर हमारी सरकार बनी होती तो मैंने भी कहा था कि हर परिवार में एक बेटे और बेटी को नौकरी देने का काम करें। मैंने इसलिए कहा था, शिक्षा भी जरूरी है, आज के समय में शिक्षा जरूरी है। हम बधाई देना चाहते हैं डीपी यादव को, शिक्षा के बारे में बहुत कुछ काम किया है। देवरिया में पत्रकार एकता समन्वय समिति की बैठक की गई। इस बैठक में जिला प्रभारी के नेतृत्व में बैठक बुलाई गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित रहे। वहीं उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकारों की कलम में इतनी ताकत है कि अपनी ताकत के बल पर असंभव काम को संभव बना देंगे। आवश्यकता है अपनी लेखनी को ईमानदारी से लिखने की। आपको बता दें कि खबर की पुष्टि हो जाने पर ही खबरों को प्रकाशित करें। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष ने भी पत्रकार हित में अपनी बात रखी। जिला महासचिव ने भी संगठन के अनुशासन पर विशेष जोर दिया। बैठक का संचालन राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी ने किया। इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समेत कई पत्रकारों ने अपने सुझाव और विचार दिए। वहीं कार्यक्रम के अंत में जिला प्रभारी ने सभी पत्रकार साथियों को हृदय से आभार व्यक्त किया और बैठक का समापन किया गया। हमेशा तत्पर रहता है उसकी मदद करने के लिए। इसके बाद से जो बैठक आयोजित की जाएगी, कहाँ पे की जाएगी और किस तरह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? इसके बाद जो हम लोग बैठक कराएंगे उसमें हम लोग शपथ ग्रहण का कार्यक्रम कराएंगे। जो हमारे जिले के जितने भी पदाधिकारी और सदस्य हैं सभी इस अपना शपथ ग्रहण। क्या इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पत्रकार एकता समन्वय समिति जनपद देवरिया इकाई की जिला इकाई की बैठक थी। इसमें संगठन के विस्तार है और शपथ ग्रहण के एक सूचित के लिए बैठक आयोजित की गई थी। इसमें सभी जनपद के हमारे पदाधिकारी सदस्य। अमेठी में शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो गई है। इस बार नवरात्र पूरे 9 दिनों की है, जो आज 26 सितंबर से प्रारंभ होकर 4 अक्टूबर तक चलेगी और 5 अक्टूबर को पूरे देश में दशहरा मनाया जाएगा। आपको बता दें कि पूरे 9 दिन तक देवी मां के 9 रूपों की पूजा होती है। आज पहला दिन शैल पुत्री के रूप में माँ दुर्गा की आराधना भक्तों के द्वारा की जाती है। आज से देश के सभी मंदिरों में, विशेषकर देवी मंदिरों में, आगामी 9 दिन तक प्रतिदिन तक भक्तों का सैलाब दिखता पड़ा है। मैं यहाँ पे आज माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। आज नवरात्र का प्रथम दिन है और यहाँ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ये, और यहाँ पे दर्शन करके माँ का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। क्या लगता है कि जो लोग यहाँ पे आते हैं उनकी मुरादें पूरी होती हैं? बिल्कुल, यहाँ पे बहुत पुरानी मान्यताएं हैं कि यहाँ पे सगरा है, वहाँ स्नान करने से काफ़ी वहाँ पे पुण्य मिलता है और कई रोगों से मुक्ति मिलती है, और यहाँ पे माँ का नीर लगा के लोगों की आँखों की ज्योति वापस आती है, ऐसा सुना है बहुत पहले से। तो बाकी जो भी आप मांगते हैं यहाँ पे सब मिलता है, दर्शन करते हैं। यहाँ पर क्या मान्यता है? हम लोग की मान्यता है कि यहाँ मुरादें पूरी होती है, माता जी यहाँ आते हैं, ऐसी धारणा है, सबकी विचारधारा है। कितने दिन से आ रहे हैं? आज शादी के बाद फर्स्ट दिन आ रहे हैं। कैसा लगा? अच्छा लगा। हमीरपुर के सदर कोतवाली इलाके में एक बुजुर्ग महिला ने यमुना नदी में छलांग लगा दी। महिला को पानी में डूबता देख मछुआरों ने उसे नदी से बाहर निकाला, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने महिला को बेहोशी हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के बाद महिला की हालत में सुधार बताया जा रहा है।
खबर हरदोई से है, जहां लाल बाजार रोड स्थित देवेंद्र शर्मा की बिल्डिंग में दिन दहाड़े दोस्त ने ही चोरी की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि चोरों ने नकदी समेत कई कीमती ज्वेलरी को भी चुरा ले गए। साथ ही सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। क्या प्रकरण है? प्रकरण सर यह है, मैं मल्लामा में किराए पे रह रहा हूँ, लाला बाजार रोड गायत्री मंदिर के पास देवेंद्र शर्मा वाली मकान में, वहाँ पे मेरे घर में चोरी हुई है सर। जी, पोली रजनीश उर्फ रंजीत सिंह उर्फ पोली राघोपुर के निवासी, ये मेरे मित्र थे, हम संडेला जा रहे थे, इन्होंने जो है घर पे आए इन्वर्टर वायरिंग के लिए, तो इन्होंने कहा हम करवा देंगे, हमने इनको दे दिया चाबी, अभी चले गए। वापसी आने के बाद ये जो है इन्होंने सारा हमारा सामान चोरी कर लिया। हरदोई में पुलिस ने 9 चोरियों का खुलासा किया है। चोर बेहद शातिराना ढंग से चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। चोरी के मकान में रहकर 3 चोर कई जगहों पर घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने गिरफ्तार कर इनके पास से लाखों का सामान, जेवरात व नकदी बरामद की। वहीं SSP दुर्गेश सिंह ने बताया कि CCTV फुटेज के आधार पर 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति मौजूद थे। विगत कुछ महीनों में थाना क्षेत्र सांडी, गिरग्राम और माधोगंज में बंद घरों में ताला तोड़ के या सब्बल से इनके दरवाजे तोड़ के कई चोरियां हुई थी, जिनमें पुलिस तलाश कर रही थी और CCTV फुटेज के आधार पे 3 साथी चोर गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से 2 चोर कमरुल और साकिब गिरग्राम के रहने वाले हैं और पन्नू कन्नौज के रहने वाले। शाहजहांपुर में OCF स्टेट में रामलीला मेले का आयोजन किया जा रहा है। वहीं फैक्ट्री के महाप्रबंधक व दीपशिखा महिला कल्याण समिति के अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों ने फीता काटकर रामलीला और प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। साथ ही इस मेले का आयोजन 9 अक्टूबर तक किया जाएगा। शुभकामना सभी ने इस मिलकर रामलीला अच्छा चलने के, पीसफुल हैप्पी हेल्दी डालने के लिए। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।